या सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं सबको स्वागत करता हूँ वंशलव एमसी की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। तो गाइस, मैं होप करता हूँ कि यार आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जरूर देखा होगा, जिसमें मैंने भैया आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई हैं अलग अलग कॉलेजेस के लिए, और भैया क्या क्या आपके सेफ स्कोर्स हैं, कितने मार्क्स पे आप लोग समझ सकते हो कि आपको एक NIT पक्का ही मिल रही होगी। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जाके चेकआउट करके आओ। अब ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भैया क्या क्या हमारे टेंटेटिव कॉलेजेस हैं जो हमारे को मिल रहे होंगे, उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक क्या रह रही होगी कैटेगरी वाइज। तो इस वीडियो को भैया डिटेल में देखना ताकि आपको समझ आ सके कि यार कितने मार्क्स पे कौन सी रैंक होगी और उस कौन सी रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। साथ ही साथ यार वो बच्चे जिनको लग रहा है कि भैया उनके मार्क्स कम हैं, उनको भैया कौन कौन से एग्जाम्स पे फोकस करना चाहिए, जो कि और अच्छे MCA के एग्जाम्स हैं, MSc के एग्जाम्स हैं, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब चलते हैं भैया जिस चीज के लिए आप लोग बहुत वेट कर रहे थे, टेंटेटिव कॉलेज ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स की। भैया हमारी क्लोजिंग और ओपनिंग रैंक पे आपको क्या क्या मिल रहा होगा। तो अगर भैया मैं टेंटेटिव कॉलेज ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक्स की बात करूं, तो भैया NIT ट्रिची जो कि हमारा एक फेवरेट कॉलेज है, तो NIT ट्रिची जनरल कैटेगरी में फर्स्ट रैंक से ओपन आता है, और अगर आप 47 रैंक तक हो तो आपको 47 रैंक तक मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर यार मैं EWS कैटेगरी की बात करूँ, तो अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अगर आपकी 50 से 75 रैंक भी होती है तो भी आपको NIT ट्रिची में बहुत ईजी सीट मिल जाती है। उसके बाद आती है भैया हमारी OBC कैटेगरी। OBC कैटेगरी के अंदर भैया अगर आप 50 से लेकर 100 तक की रैंक में लाए कर रहे होते हो तो भी भैया आपको फिर एक NIT ट्रिची की सीट मिल जाती है। लास्ट ईयर का अगर मैं आपको बताऊं तो भैया 47 बच्चों ने टोटल NIT ट्रिची में एडमिशन लिया था OBC कैटेगरी से। तो भैया OBC कैटेगरी के अंदर कितने बच्चे हैं उसके भैया आपको ये चीज मतलब पता लगती है कि भैया अगर मान लो कि किसी बच्चा है, ऐसा बच्चा है कि भैया ओबीसी कैटेगरी का पहला बच्चा 200 रैंक पर है तो 200 रैंक वाला ट्रिची चला जाएगा। पर वैसे ऐसा होता नहीं है, पर फिर भी मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि भैया जितने ओबीसी के बच्चे आगे मतलब आपसे आगे होंगे उस पर डिपेंड करेगा कि भैया आपको ओबीसी की रैंक हेल्प कर भी रही है या नहीं कर रही है। जैसे अगर हम लोग पिछले साल के पेपर में देखें तो 700 जनरल रैंक के ऊपर 300 प्लस कुछ ओबीसी रैंक थी, तो वहां पे भैया 300 प्लस ओबीसी रैंक से किसी को हेल्प ही नहीं करी, वहां पे आपको जनरल रैंक से फिर सीट मिल रही थी। तो ये चीज भी फर्क पड़ जाती है कि भैया आपसे आगे कैटेगरी वाले कितने बच्चे हैं। इसके बाद अगर NIT सूरतकल की बात करी जाए, भैया 48 जनरल से शुरू हो जाती है, 90 तक जनरल में जाती है, 105 लास्ट ईयर एक्सेप्शन हो गई थी कि भैया यहाँ तक जनरल में चली गई थी ये सीटें, क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे जो नॉर्थ इंडिया की साइड के होते हैं वो NIT सूरतकल के ऊपर NIT इलाहाबाद प्रेफर कर लेते हैं। तो कुछ 56 रैंक या 55 रैंक ऐसी थी जिसने NIT इलाहाबाद दे ली थी, तो इस चक्कर में क्या होता है सूरतकल थोड़ा सा पीछे चला जाता है। तो अगर आप सूरतकल पे एम कर रहे हो तो मैं आपको कहूंगा आप सेकंड और थर्ड राउंड तक जरूर जाओ, हो सकता है कि भैया आपका अपडेट होके इलाहाबाद से सूरतकल हो जाए या वाराणसी से सूरतकल हो जाए, पर ऐसे चांसेस कम होते हैं, सेकंड थर्ड राउंड तक जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई NIT सूरतकल के लिए हो गया आपका जनरल कैटेगरी का 75 से 115 हो गया आपका EWS कैटेगरी का, और 75 से 130 तक आ गया हो गया OBC कैटेगरी का। यहाँ पे फिर से मैं स्टार लगा देता हूँ कि भैया ये क्लोजिंग रैंक कभी कभी के लिए रही है, पर ये उसी चीज पर डिपेंड करता है कि आपसे आगे OBC के कितने बच्चे होंगे। उसके बाद NIT इलाहाबाद थर्ड रैंक हमारा कॉलेज 135-200 जनरल कैटेगरी इसमें जाती है। बहुत सारे बच्चे NIT इलाहाबाद और वारंगल के अंदर एक मतलब एक प्रेफरेंस ऊपर रखते हैं, एक प्रेफरेंस नीचे रखते हैं, बहुत लोग वारंगल को भी ले लेते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे 210-240 EWS, 200 से 280 तक OBC कैटेगरी का यहाँ पे हो जाता है, पर ये भाई भाई चीज है, फिर से टेंटेटिव है, आगे आपके कितने बच्चे हैं उस पर डिपेंड कर जाएगी। उसके बाद अगर मैं अगले कॉलेज पे हूँ NIT वारंगल, तो NIT वारंगल जनरल कैटेगरी 140 से 175 में जाता है, इसमें जनरल कैटेगरी की सिर्फ 22 सीटें हैं, तो उससे ये चीज फर्क पड़ जाती है। EWS 170 से 230 और भैया OBC 190 से 250 के अंदर आपको मिल रहा होता है। उसके बाद अब बहुत लोग भैया यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि NIT कैलिकेट 5th रैंक की हमारी NIT थी वो हट चुकी है, तो अब कुछ लोग भैया कुरुक्षेत्र को ऊपर प्रेफर करते हैं, कुछ लोग भोपाल को ऊपर प्रेफर करते हैं, ये भैया आपकी प्रेफरेंस पे रहता है। वैसे तो मेरे ख्याल से कुरुक्षेत्र की प्लेसमेंट इस समय बहुत अच्छी जा रही है और वहाँ का मतलब जो मैंने सुनने में आया सीनियर जूनियर बॉन्ड भी बहुत अच्छा है, तो कुरुक्षेत्र को आप ऊपर प्रेफरेंस कर सकते हैं। तो भैया 220 से अगर आप 300 के जनरल में लाए कर रहे हैं, जहाँ पे पहले आपको 220 से 260 में NIT कैलिकट देखने को मिलती थी, उसकी जगह भैया अब आपको कुरुक्षेत्र और भोपाल देखने को मिलेंगे। तो भाई टेंटेटिवली भोपाल और KKR मिला के, क्योंकि यहाँ पे मिक्स सीट्स रहेंगी, कुछ लोग भोपाल जा रहे होंगे, कुछ लोग कुरुक्षेत्र जा रहे होंगे, तो यहाँ पे मिक्सर रहेगा सीट्स का, तो इनकी जो रैंक्स है वो 220 से 300 जनरल के बीच में क्लोज होनी चाहिए, 250 से 320 EWS के लिए जानी चाहिए, और 270 से 380 OBC। OBC का फिर से आपको बता दूं कितने बच्चे आ गए हैं उस पर डिपेंड करेगा, और SC ST के लिए भैया सब लोग इनसे 100-100 रैंक के नीचे भी कर लोगे तो SC ST का आप लोगों को एक रफ आइडिया मिल जाएगा। इसके बाद भैया अगर हम सीट मैट्रिक्स को देख लें तो सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि भैया जो हमारी टॉप की NITs हैं, जैसे कि भाई हमारी NIT इलाहाबाद हो गई, NIT ट्रिची हो गई हमारी, और भी NIT सूरतकल हो गई, इसमें जनरल कैटेगरी की अगर हम सारी सीट्स में लाएं
तो 90+22 हमारी 112 सीट बनती है। उसके बाद भैया कुरुक्षेत्र की अगर मैं सेल्फ फाइनेंसिंग सीट छोड़ दूं तो 25 ये सीट्स हमारे पास ये हैं, और भोपाल की 44 सीट्स हमारे पास ये हैं। तो इन सबको मिला के भैया कुछ 200 सीट्स हमारे पास रहती हैं जनरल कैटेगरी के अंदर। तो इन सबको भरने के हिसाब से जो मैंने आपको रैंक्स बताई या सीपेट स्कोर बताए वो इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। मैं होप करता हूँ आपको ये एनालिसिस समझ आया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी जो सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स के डाउट्स हैं या स्पॉट राउंड्स के डाउट है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, या स्पॉट राउंड में आप जरूर जरूर जाओ, क्योंकि स्पॉट राउंड में बहुत बार ऐसा होता है कि NIT रायपुर, NIT अगरतला, NIT अगरतला में तो भाई लास्ट टाइम वो भी हुआ था, इंटरव्यू बेसिस के ऊपर भी एडमिशन हुआ था। तो उसमें जनरल कैटेगरी में 2600 रैंक तक एडमिशन गया है, 3000 रैंक तक एडमिशन गया है। तो मेरा एक फ्रेंड है उसका भी उसके अंदर NIT अगरतला में एडमिशन हुआ है ऑन द इंटरव्यू बेसिस। तो अगर भैया आपको उसके लिए भी एक पॉडकास्ट सेशन चाहिए कि भाई कैसे उसने इंटरव्यू बेसिस पे NIT अगरतला में एडमिशन लिया, तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। तो मैं उसके साथ आपके लिए वो इंटरव्यू राउंड भी ले आऊंगा और आपको इंटरव्यू राउंड के बारे में बताएंगे कि कैसे NIT अगरतला इंटरव्यू लेता है और इंटरव्यू बेसिस पे एडमिशन देते हैं अपनी वेकेंट सीट्स के ऊपर। तो NIT रायपुर, NIT अगरतला में स्पॉट राउंड होते हैं। उसके बाद भैया एक स्पॉट राउंड है हमारा सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स का NIT कुरुक्षेत्र का। तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे 526 रैंक जो है OBC कैटेगरी की, इसको भैया सेल्फ फाइनेंसिंग से रेगुलर कर दिया स्पॉट राउंड के अंदर आके। ऐसी ये एक 538 रैंक जो है इसको भी भैया स्लाइडेड टू रेगुलर, तो सेल्फ फाइनेंसिंग सीट से इनको रेगुलर सीट मिल गई जब स्पॉट राउंड में आए। और यहाँ पे आप और देख सकते हो कि भाई जैसे कि 722 रैंक है या 707 रैंक है, ये ओपन कैटेगरी की रैंक है, तो इसको भैया सेल्फ फाइनेंसिंग सीट मिल गई स्पॉट राउंड में आके। तो स्पॉट राउंड जो होता है हमारे लिए बहुत अच्छा भी रहता है कभी कभी, कभी कभी थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है कि हो सकता है भाई जो सीट हम छोड़े वही सीट हमारे को ना मिले। लेकिन अगर आप भैया सेल्फ फाइनेंसिंग सीट पे हो तो मैं बोल दूंगा कि आप स्पॉट राउंड में जाओ, हो सकता है कि भैया आपको एक रेगुलर सीट मिल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे 707 रैंक तक भैया ओपन कैटेगरी में सेल्फ फाइनेंसिंग सीट थी। तो अब इसको आप 50 रैंक से कम कर लो, क्योंकि जो NIT कैलिकेट है उसकी 50 सीटें जो कम हुई है वो यहाँ पे एक बहुत प्रोमिनेंट इफेक्ट डाल रही होंगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप चीजें देख सकते हो, ये NIT के उसी तरह का ऑफिशियल है, तो आप इसको उनकी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। बाकी यार अब जिन लोगों को लग रहा है कि हमारे 500 से भी कम मार्क्स बन रहे हैं, 400 से भी कम मार्क्स बन रहे हैं, तो यार उन लोगों के लिए अब मैं यही सजेस्ट करूंगा कि BHU, JNU, DU, MCA और MSC दोनों की बहुत अच्छी प्लेसमेंट रहती है, जामिया या फिर भैया महाराष्ट्र CET MCA। महाराष्ट्र CET MCA तो एक ऐसा पेपर है जो आप सबको जरूर जरूर देना चाहिए, क्योंकि भैया इसके कॉलेजेस की प्लेसमेंट बहुत अल्टीमेट जा रही है। ऐसे हम BJTI की बात कर लें, महाराष्ट्र के कैंडिडेट जो हैं BJTI, SPIT भैया क्या गजब की प्लेसमेंट है, BIT पुणे बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंपनी यहाँ पे रिक्रूट कर रही है, MCA के लिए बहुत सारी अच्छी कंपनियां आ रही है भाई, बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र CET MCA में भी। तो भाई जितने भी लोग देख रहे हैं भैया इसको एग्जाम को तो बहुत सीरियसली देना। नॉर्थ इंडिया के साइड के बंदे जो देख रहे हैं उनमें स्टेट डोमिसाइल नहीं लगता है, लेकिन ये पेपर इतना टफ नहीं होता है, NIMCET के 50% लेवल का पेपर होता है। और दूसरी चीज, यहाँ पे हर चीज की वेटेज भी सेम होती है, तो अगर आप इसको ध्यान रखोगे तो भैया यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल रहा होगा। उसके भैया यूपी स्टेट एग्जाम भी बहुत सारे होते हैं, इसको आपसे यूपी के अलग अलग कॉलेजेस मिल रहे होते हैं। उसके बाद भैया ये NFSU है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, इसका MSc साइबर सिक्योरिटी का कोर्स भी बहुत अच्छा है। जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट है वो इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यार यहाँ से भी बहुत अच्छे प्लेसमेंट सभी के लिए जा रहे हैं। तो उसके बाद भैया ड्रॉप देना सही रहेगा या नहीं रहेगा, अगर आपको इसके साथ पर मेरे साथ एक डिसीजन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ, मैं इसके ऊपर भी आपका एक डिस्कशन लेकर आऊंगा। उसमें भैया सारी चीजों को देखेंगे कि यार ड्रॉप लेना किसके लिए सही है और किसके लिए सही नहीं है, पूरा आपको मैं कैटेगराइजेशन दे रहा हूँ। सो गाइस मैं होप करता हूँ आपके जितने भी डाउट्स रहे होंगे उनको मैंने इस वीडियो में आंसर किया होगा, जितनी भी भैया मैंने आपको रैंक्स बताई है वो सब सेटिस्फाइड हो गए। तो ये सारा भैया टेंटेटिव है, ये डेटा चेंज हो सकता है, तो भैया इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान देना। इस वीडियो को एक दो बार दोबारा देख लो, अपनी भैया रैंक के हिसाब से अपने आप को कैटेगराइज कर लो, और अगर आपके भैया मार्क्स थोड़े से कम बन रहे हैं तो दूसरे एग्जाम्स पे अभी से फोकस हो जाओ, इंस्टेंट बैठ के सोचने की भैया अब क्या होगा अब क्या नहीं होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। You're trying to stay strong and